हेलो फ्रेंड, ये पापड़ बनाए थे, ये फ्राई कर रहे हैं। ये आलू को, कच्चे आलू को मिक्सी में पीस के और फिर उसको आपके उसमें डाला है वीडियो में इसका मेथड। तो ये है जो भी है, और साबुदाने के हैं कुछ, साबुदाने पीस के हैं, टमाटर और साबुदाने के हैं कुछ। तो ये फ्राई कर रहे हैं। तो चिमटा से, झरिया से, जिससे भी आपको इजी लगे। अब गैस हाई फ्लेम पे ही है। कुछ सूख गए हैं, कुछ अच्छे से नहीं सूखे हैं, जो सूख गए हैं वही फ्राई कर रहे हैं अभी। ये साबुदाने को पीस के हैं, ये खड़े वाले साबुदाने जैसे अपन बॉईल कर लेते, ये साबुदाने को पीस के है जैसे अपन साबुदाने का आटा पीस लेते उसी तरह से डाला हुआ है वीडियो में इसका भी। झरिया से भी चूड़ी में बनाए थे ना जो साबुदाने के, जो वो वाले हैं जो चूड़ी में बनाए थे और लच्छे मिलाए थे अपन लोगों ने, आलू के लच्छे, ये वो वाले हैं। तो साबुदाने के फ्रेंड भिगा देना अपन लोग, कम से कम 10-12 घंटे भीग जाए तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। साबुदाने अगर भीगे ना तो वो इतने फूलते भी नहीं है, कच्चे से रहते। जब हम पापड़ बनाते ना तो ये साबुदाने अच्छे लगते। ये आलू को पीस के है फ्रेंड और फिर साबुदाने मिक्स कर दिए थे। इसमें आलू को बॉइल नहीं किया, कच्चा आलू छील के जैसे अपन सब्जी के लिए छीलते। और जो भी पापड़ है ना सब टिश्यू पेपर पे ही रख दे, क्योंकि बहुत ऑयल कितना भी अपन निकाल दे लेकिन वो रहेगा ऑयल इसमें। जब भी फ्राई करें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रखें। ये वही पिसा वाला साबुदाना का है जो अपन भिगा के और जब पानी अच्छे से सूख जाए जब पीस लेते हैं मिक्सी में, तो वही पीसे वाले जो पहले बनाए करते थे। और ये जो बच्चे हैं देख रहे हैं, कुछ चूड़ियों में भी बनाए हैं, कुछ सिंपल बनाए हैं। ये साबुदाने के स्टीम वाले हैं जो अपन ढक्कन में स्टीम करते हैं या चूड़ियों पे शेप बना के।
निकालते टाइम अगर थोड़ा बहुत टूट भी जाए, शायद है जैसे अपन 10-12 निकाल रहे तो एक दो टूटे, नहीं तो अगर अच्छे से स्टीम हो जाए ना फिर वो टूटते नहीं है और फूलते भी हैं। तो 3-4 मिनट ज्यादा 5 मिनट के पहले ही हो जाते हैं, 3 मिनट के बाद तो अच्छे से स्टीम हो जाए तभी निकाले, उससे साबुदाने अच्छे बड़े बड़े होते भीग जाते हैं। और कौन से है, ये टमाटर के हैं लेकिन ये गीले से हैं, अभी टमाटर के गीले हैं फिर भी एक भूंज रहे हैं। गीला था लेकिन हमने का एक भूंज रहे हैं। गैस बंद ही कर दिया हमने क्योंकि बहुत ज्यादा हाई ना चे इनको, टमाटर वालों को भी लो में ही भूंजना है, और जैसे आलू के हुए तो वो भी अपन लो फ्लेम पे ही भूंजे। गीले है ये टमाटर वाले, बंद कर दिया है गैस। टमाटर वाले गीले हैं अभी, बाकी ये रखते हैं देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इनमें बहुत ऑयल रहता फ्रेंड, तो बहुत संभाल के ही मतलब टिश्यू पेपर वगैरह को जरूरी निकालें, जो भी साफ पेपर हो। ये वो है जो आलू में साबुदाने मिलाए थे, ये हैं आलू साबुदाने वाले, लेकिन साबुदाने भिगा के मिलाते हैं अपन तो देखिए कितने बड़े बड़े हो रहे, कच्चे नहीं रह पाते बिल्कुल, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ये वही है जो साबुदाने को पीस के साबुदाने का आटा टाइप का मिला के फिर चूड़ियों में बनाए छोटे छोटे, ये भी वही चूड़ियों वाले हैं, चूड़े में बनाते जो साबुदाने पीसने वाले, वो यही चूड़े में बनाए हैं साबुदाने को पीसा नहीं है इसमें, और बाकी इसमें लच्छे मिला दिए हैं, ये ढक्कन में स्टीम करे ना जो साबुदाने उसमें लच्छे मिला के। ये बताया कैसे लच्छे, वो थोड़ा सा हल्दी मिला के पहले इसमें थोड़ा बॉयल गरम पानी में डाल दिए थे तभी फिर लच्छे निकाले, धो लें कई बार, ये भी वही लच्छे वाले हैं। ये वही है जो स्टीम कर रहे थे साबुदाने, लेकिन कितने बड़े बड़े साबुदाने हैं, इसको अच्छे से स्टीम और भिगाना बहुत जरूरी है साबुदाने, वो 2-3 घंटे में भीगते नहीं है फ्रेंड अच्छे से कम, अगर अचानक मान लो ऐसा प्लान बन रहा तो बात अलग है। जे भी वही साबुदाने के ही है, तो ये टमाटर वाले अभी गीले हैं बहुत, इसलिए ये अच्छे से फूल नहीं रहे, ये है ना टमाटर के बनाए थे चूड़ियों में तो गीले हैं अभी, ये गीले दिख रहे हैं फूल नहीं रहे अच्छे से, ये देखिए पूरे दब रहे हैं गीले हैं, तो इनमें कम से कम 3 दिन तक अच्छे से धूप दिखाना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, यही जो भी पापड़ बनाए तो धूप फ्रेंड दिखा के उनको और फिर ही भरें एयर टाइट डिब्बे में जिसमें भी भरना है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू।